द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट 60 मीटर अबव ए लेक इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द क्लाउड इन द लेक इज 60 डिग्री फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड। तो हमें हाइट फाइंड करनी है क्लाउड की सरफेस से कि लेक की सरफेस से वो क्लाउड कितनी ऊपर है। तो मान लीजिए कि अपना ये लेक वाला एरिया हो गया, उसकी सरफेस है और इस सरफेस से 60 मीटर अबव एक पॉइंट है। तो इस लेक पे हम लोग मान लेते हैं कि 60 मीटर अबव ये वाला एक पॉइंट हो गया। मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ये वाला बी है और बी पॉइंट इस सरफेस से कितना ऊपर है, 60 मीटर। अब बी पॉइंट से जब हम एक क्लाउड को देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 30 डिग्री है। तो मान लीजिए कि अपना क्लाउड यहाँ पे है इस तरीके से। तो सबसे पहले हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए। तो मान लीजिए ये अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। तो यहाँ से जब आप लोग इस क्लाउड को देखेंगे तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर की तरफ, ये वाला एंगल ऑफ एलिवेशन जो कि 30 डिग्री है। तो ये आ गया 30 डिग्री। इसी तरीके से तो ये 60 मीटर था, तो ये भी अपने पास 60 मीटर आ जाएगा। इधर सी, ये डी और इसको ई पॉइंट बोल देते हैं, यहाँ पे क्लाउड हो गया। तो ये तो अपने पास जितना ए बी है सी डी भी उतनी होगी, 60 मीटर। इसको मैं स्मॉल एच मान लेता हूँ, ये स्मॉल एच डिस्टेंस है। अब बात यह है कि जो रिफ्लेक्शन है, डिप्रेशन एंगल जो बनेगा रिफ्लेक्शन का, ये क्लाउड यहाँ पे था तो इसका जो रिफ्लेक्शन होगा लेग के अंदर की तरफ वो कितना होगा, जितना हम किसी जैसे मिरर हो गया, ये मिरर है, आप लोग मिरर से यदि इतनी डिस्टेंस पे खड़े हैं तो आपका रिफ्लेक्शन भी मिरर में इतनी ही डिस्टेंस पे बनेगा। आप लोग देख सकते हैं मिरर के सामने खड़े होकर, आपको लगेगा कि जितनी दूर हम मिरर से हैं रिफ्लेक्शन भी उतनी ही दूर है। तो ये वाली डिस्टेंस यदि क्लाउड यहाँ पे है ई पॉइंट पे तो इतनी ही डिस्टेंस पे इस तरफ बनेगा, यानी कि जो लेंथ हो गई इधर रिफ्लेक्शन के अंदर वो आ गई ये वाली। तो ये जो सी से लेके ई के बाद ये वाला एफ पॉइंट मान लेते हैं, तो ये जो डिस्टेंस होगी यहाँ से लेके यहाँ तक की, ये वाली रिफ्लेक्शन हो गया अपना, तो ये एच प्लस 60 होगी। ये वाली लेंथ कितनी होगी, एच प्लस 60 मीटर। यदि इस रिफ्लेक्शन का जो डिप्रेशन एंगल है, यहाँ से जब हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे की तरफ देखेंगे इसके रिफ्लेक्शन को, तो ये डिप्रेशन एंगल बनेगा। तो इसको बना देते हैं ये वाला, तो ये जो एंगल हो गया वो एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया जो कि 60 डिग्री का है, रिफ्लेक्शन यहाँ पे बन गया। तो अब आप हमें ट्रिग्नोमेट्री यूज करनी है। दो ट्राइंगल बन गए, एक ये वाला और एक ये वाला। तो अपना हाइट जो फाइंड करनी थी यहाँ सी पॉइंट से लेके ई पॉइंट तक की ये डिस्टेंस, ये वाली उस क्लाउड की हाइट है जो कि हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले ट्राइंगल ले लेते हैं, इन ट्राइंगल छोटे वाला ट्राइंगल यूज कर लेते हैं ई डी बी, ई डी बी के अंदर। तो इसमें यूज करेंगे टेन थीटा की वैल्यू 30 डिग्री हो गई, ये हो गया थीटा। थीटा के सामने ये अपना हो गया परपेंडिकुलर और ये बेस हो गया बी डी। बी डी को आप लोग चाहे तो एक्स मान सकते हैं, आप लोगों की मर्जी है। तो टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर है ई डी अपॉन में बेस है बी डी। तो इक्वल टू ई डी की वैल्यू हमें पता है एच है और बी डी की जगह आप लोग चाहें तो बी डी ही रहने दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। ये इक्वल हो गया एच अपॉन बी डी के। तो बी डी की वैल्यू से हमें कोई लेना देना नहीं है, तो हम लोग यहाँ से बी डी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो बी डी इधर मल्टीप्लाई में आएगा 1 के साथ, तो बी डी हो गया √3, इधर आ जाएगा तो एच √3। ये अपना फर्स्ट इक्वेशन हो गया, यहाँ से हमने बी डी की वैल्यू फाइंड कर ली। अब बात करते हैं दूसरे वाले ट्राइंगल की। तो दूसरे वाले ट्राइंगल के अंदर इन ट्राइंगल, इस बार ट्राइंगल ले लेते हैं हम, ये 90 था, इधर ये 90 हो जाएगा। बी डी एफ, ये बड़े वाला ट्राइंगल बी डी एफ, बी डी एफ यहाँ पे 90 हो गया। इसके सामने ये वाला हाइपोटेनियस, ये बेस और ये परपेंडिकुलर और थीटा इसमें 60 डिग्री है। तो इस बार यूज करेंगे टेन 60 डिग्री इक्वल टू, तो टेन 60 के सामने जो परपेंडिकुलर होगा ये पूरा यहाँ से लेके डी पॉइंट से लेके एफ तक है। तो ये आ गया अपने पास, यानी डी सी तक की लेंथ और आगे सी एफ वाली लेंथ, ये दोनों मिला के इसका परपेंडिकुलर बन जाएगा यहाँ से लेके पूरा डी एफ तक। और बेस अपना बी डी है अपॉन में बी डी। तो डी सी की वैल्यू हमें पता है 60 है प्लस के अंदर, और सी एफ की वैल्यू एच प्लस 60 है और अपॉन में आ जाएगा बी डी। तो टेन 60 की वैल्यू हमें पता है √3 होती है, तो √3 इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा ये एच प्लस 60 और 60 120 आ जाएगा और अपॉन में बी डी। बी डी को इधर मल्टीप्लाई के अंदर ले लेते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा √3 इंटू बी डी इक्वल टू एच प्लस 120। तो √3 अपनी जगह पे और बी डी की वैल्यू हमें पता है एच √3 है, तो यहाँ से एच √3 इक्वल टू एच प्लस 120। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, ये 3H हो जाएगा, 3H इक्वल टू एच प्लस 120। तो H इधर लाएंगे तो 3H माइनस एच इक्वल टू 120
और ये हो गया 3h में से माइनस कर लिया h को, तो 2h बचा, 2h इक्वल टू 120। तो h की वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी, 120 को डिवाइड कर देंगे 2 से, तो ये आ गया अपने पास 60 मीटर। अब हमें फाइंड करनी थी क्लाउड की हाइट इस लेक की सरफेस से, तो सी ई की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। सी ई इक्वल टू, तो सी ई के अंदर ये 60 हो गया, एच प्लस 60 है, एच प्लस 60, तो एच की वैल्यू हमने फाइंड कर ली 60, और आगे 60 और था, इक्वल टू 120 मीटर। यानी जो क्लाउड है वो लेक की सरफेस से कितना ऊपर है, 120 मीटर है, जो कि हमें फाइंड करना था। तो उम्मीद आप लोगों को अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बस ध्यान यही रखना है हमें कि जो क्लाउड है वो जितने ऊपर होगा इस सरफेस से, तो उसका रिफ्लेक्शन उतनी ही दूर नीचे की तरफ लेक के अंदर बनेगा। तो यहाँ पे ये h प्लस 60 ऊपर है, तो इसका रिफ्लेक्शन सरफेस से कितना बनेगा, नीचे h प्लस 60 मीटर की डिस्टेंस पे ही बनेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।